हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व करने वाले हैं और इससे जो पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपका। तो सेकंड पार्ट की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट पढ़िए आप। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो देखो, आपसे कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में कोई दो एंगल है, उनमें से जो बड़ा है ना वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, तो फाइंड देम। अब देखो, एंगल तो हमारे पास दो है, लेकिन कंडीशन हमारे पास एक दिख रही है हमको, लेकिन देखो दूसरी कंडीशन आ जाएगी क्या, कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनका सम होता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। तो चलो अब इसे देखते हैं। तो देखो, पहले एंगल्स मान लेते हैं। तो जो पहला एंगल हमारा, वन एंगल हो जाएगा x डिग्रीज है मान लो हमारा, तो अनदर एंगल हो जाएगा हमारा y डिग्रीज। अब सबसे पहले ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब इन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज। तो पहली कंडीशन तो डायरेक्टली हमारे पास आ गई, x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ गई हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी क्या कह रहा है, जो बड़ा है ना आपका, जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ से दूसरी आ जाएगी, x मान लो बड़ा है तो ये छोटे से 18 बड़ा है, तो हम छोटे में 18 ऐड कर दें तो ये x के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, क्योंकि हमारा आधा काम तो हो रखा है, x इन टर्म्स ऑफ y तो हमें पता है, तो इसको सेकंड से x की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू रखी यहाँ से, तो y प्लस 18 प्लस में y इधर है इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया आपका 2y, 180 माइनस 18 करेंगे हम, ठीक है। तो 10 8 2 आ गया, 7 1 6 आ गया, ये आ गया 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 81 डिग्रीज। x के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्रीज। तो ये आ गई 9 8 9 8 9, तो 99 डिग्रीज आ चुकी है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, दोनों एंगल्स आ चुके हैं। यदि आपको वेरीफाई करना है कि भाई मेरा आंसर सही है या गलत है, तो क्या कर सकते हो आप, दोनों वैल्यूज़ को उठा के कोई सी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो या फिर दोनों में करो, तो ये इक्वेशन वेरीफाई होनी चाहिए। जैसे देखो, x की वैल्यू 99 डिग्रीज है एंड y की वैल्यू 81 डिग्रीज है, आप इनका सम करेंगे 8 9 8 9 99, इक्वल आ रहा है, तो मतलब सही है। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, 81 प्लस 99 किया हमने तो 180 आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन से।